साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो आज मैं आपको चैनल के माध्यम से माता पाथरी माता धोतनी का एक शक्तिशाली चमत्कारी आपको उपाय बताने जा रहा हूँ। और ये जो माता पाथरी माता धोतनी वाली का यह जो उपाय है आपके सभी कष्टों का निवारण करेगा। और यह जो आपने उपाय करना है माता पाथरी माता धोतनी वाली का रेगुलर 3 दिन ही आपने ये उपाय करना है। अगर 3 दिन आप इस उपाय को करेंगे तो जो भी आपके घर में कोई बुरी वादा है, कोई तांत्रिक विद्या के कारण आपके घर के ऊपर कोई बुरी वादा लगी हुई है, किसी ने कुछ किया कराया है, या जादू टोने जंतर मंत्र तंत्र की आपके घर परिवार के ऊपर कोई छाया है, तो आपके सभी दुखों का निवारण करेगी माता पाथरी माता धोतनी की यह जो शक्ति है अपने उपाय के द्वारा। इससे पहले भी भक्तजनों चैनल के ऊपर मैं माता पाथरी माता धोतनी की मैं आपको कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, और इनकी साधना इनके मंत्रों के बारे में भक्तजनों मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आप माता पाथरी धोतनी वाली की साधना कर सकते हैं, कैसे आप माता रानी का प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। तो भक्तजनों आज का यह जो उपाय है इसके लिए आपने लेने हैं 5 लड्डू, बेसन के बूंदी वाले 5 लड्डू लेने हैं आपने, और एक आपने थोड़ा सा बनाना है देसी घी का हलवा। 5 लड्डू बूंदी वाले और देसी घी का हलवा, और 5 ही भक्तजनों आपने लेने हैं बतासे। बस यही भोग प्रसाद है भक्तजनों माता रानी का, इससे ही माता रानी आपके सभी कष्टों का निवारण करेगी। तो यह जो विधि है भक्तजनों आपने 3 दिन रेगुलर करनी है, किसी दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, और रात्रि के समय आपने यह उपाय करना है जब सूर्य अस्त हो जाए। आपने देसी घी का हलवा बनाने के बाद उसके ऊपर आपने 5 लड्डू रख लेने हैं, ये बेसन वाले बूंदी वाले, और 5 ही भक्तजनों आपने बतासे रख लेने हैं, और उसके बाद आपने अपने घर में थोड़ी सी उपलों की अंगियारी बनानी है। उपलों की अंगियारी बनाने के बाद भक्तजनों उसके ऊपर आप थोड़ा सा देसी घी का छींटा दें और थोड़ा सा सरसों के तेल का आपने छींटा देना है। और इसके साथ आपने जो और एक चीज़ लेकर जानी है वह है कच्ची लस्सी। एक कच्ची लस्सी का भक्तजनों आप गड़बा भर लें, और कच्ची लस्सी में भक्तजनों थोड़ा सा आपने मीठा डाल लेना है, शक्कर भी डाल सकते हैं भक्तजनों आप, और इसमें आप गुड़ भी डाल सकते हैं। ये जो सारी सामग्री है भक्तजनों, ये जो 5 लड्डू हैं और ये जो देसी घी का हलवा है, आपने ये जो उपलों की अंगियारी बनाई है उसके ऊपर होम धूप देने के बाद उसके ऊपर से आपने इसको 7 बार वारना है, और जितने आपके घर के कमरे हैं जितनी उनकी दहलीज है उसके ऊपर से आपने इनका एक उतारा करना है, और जितने आप घर में व्यक्ति रहते हैं उनके ऊपर से 7-7 बार आपने वारना है। और उसके बाद ये जो सारी सामग्री है आपने माता रानी के थान के ऊपर आपने इसको लेकर जाना है। अगर थान ना हो माता रानी का, माता पाथरी माता धोतनी का थान ना हो आपके पास, तब आप ये जो विधि है आप किसी खुले कलर मैदान में भी इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो सारी सामग्री है आपने इसको बाहर लेकर जाना है, और इसके साथ आपने माता रानी का एक सरसों के तेल का दिया लेकर जाना है। वहाँ पर जाने के बाद पहले आप सरसों के तेल के दिए को रोशन कर दें, और सरसों के तेल के दिए को रोशन करने के बाद ये जो सारी सामग्री है आपने उस दिए के पास आपने रख देनी है, और ये जो आप कच्ची लस्सी साथ में लेकर गए हैं ये जो सारी सामग्री है और ये जो दिया जल रहा है माता रानी का
उसके इर्द गिर्द आपने इस कच्ची लस्सी को भक्तजनों डाल देना है। तो भक्तजनों, जे जो उपाय है आपने 3 दिन इसी विधि के अनुसार इस उपाय को करना है। जे जो पाथरी माता धोतनी का जे जो उपाय है, तो इससे माता पाथरी माता धोतनी आपकी चारों दिशाओं में बुरी बाधा से आपकी रक्षा करेगी, आपके कष्टों का निवारण करेगी। अगर श्रद्धा के अनुसार विश्वास रखने के बाद आप इस उपाय को करेंगे तो हाँ माता रानी के भक्तजनों, अगर आपको ये विधि ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साधना और समाधान चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह से एक नई विधि, एक नया उपाय, एक नया टोटका लेकर आपसे फिर मिलेंगे। तब तक माता रानी के भक्तजनों, जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।